Good morning, class 6th. So students, we are on chapter number 2, globe, latitude and longitudes. And in this class, we are going to start a new topic, which is location of places of the globe. Latitude और longitude तो हम लोग ये previous class में कर चुके थे. इसी को continue करते हुए, क्योंकि ये point तो हम लोग पहले कर चुके, यही कि इसी point की continuity है, हमारे कुछ जो डायग्राम्स है उसकी एक्सप्लेनेशन रह गई थी. सो दैट वी विल कंटिन्यू इन दिस क्लास. सो हम लोगों ने दिल्ली की जो पोजीशन थी वो देख ली थी, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लैटिट्यूडनल पोजीशन. दिस इज द लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ दिल्ली. उसके बाद आपको नीचे एक डायग्राम दिखेगा, ये वाला जो डायग्राम है, ओके, अर्थ ग्रिड वाला जो डायग्राम है. ग्रिड मतलब आपके जो मैथ्स की कॉपीज आती थी वो कैसी आती थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली आती थी. अब वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अंदर भी है, पर ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के. देखिए, ये जो लैटिट्यूड है वो एक दूसरे के पैरेलल. 10 डिग्री लैटिट्यूड इज पैरेलल टू 20 डिग्री, 10 डिग्री लैटिट्यूड इज पैरेलल टू 40 डिग्री ऑल्सो. सारी की सारी जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है. पर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूड की, सो लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से और इसकी एंडिंग होती है साउथ पोल पे. तो यहाँ पर वो एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है. अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 104. इसकी बात मैं कर रही हूँ, इसके नीचे ना ए तो दे रखा है, बी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इन्होंने ए कैसे फाइंड आउट किया है, लोकेशन ऑफ पॉइंट ए एट, ये रहा ए और ये रहा बी हमारा. सो ए है आपका 30 डिग्री नॉर्थ पे. कैसे 30 डिग्री, ये रहा आपकी 30 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, ये 30 डिग्री. तो इसने लिख दिया 30 डिग्री नॉर्थ. अब इसके बाद इसका लॉन्गिट्यूड चाहिए. लॉन्गिट्यूड भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बीच में से आपका प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है. प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बता दिया है, ये जो बीचों बीच जीरो डिग्री वाली, ये अगर अभी इधर बनाइए जरूरी नहीं इधर हो, बीचों बीच भी होती है. सो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देती हूँ, ये आपकी जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन वाली लाइन, ठीक है. अब ये जो जीरो डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन, सॉरी फॉर दिस, जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, उससे इधर वाले जो डायरेक्शन है वो ईस्टर्न डायरेक्शन हो जाएंगे, इधर वाले वेस्टर्न हो जाएंगे. तो अभी ईस्ट में है, तो ये हो गया आपका 10 डिग्री ईस्ट. 10 और 20 के बीच में है, तो ये 15 डिग्री ईस्ट हो गया. तो 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर ये 15 डिग्री ईस्ट तक है. तो ये पॉइंट ए है. अब हमने पॉइंट ए की जो कंडीशन है वो बता दी, ग्रिड जहाँ ये कट रही है, जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वो जगह बता दी. अब हमें बतानी है पॉइंट बी की लोकेशन. सो पॉइंट बी अगर आप देखो तो पॉइंट बी है 30 डिग्री साउथ पे. तो यहाँ हम 30 डिग्री साउथ लिख सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्री साउथ. नॉर्थ नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉर्थ में ये था, जीरो डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर. तो यहाँ पहले आएगा 30 डिग्री साउथ आ जाएगा, 30 डिग्री की लाइन पे ये बसा हुआ है, ठीक है. अब ये बुक में भी आप जूम करके देख सकते हो, इसमें 30 डिग्री को टच करता हुआ ये लाइन जा रही है. देखिए, अगर 30 डिग्री में भी कंफ्यूजन है तो ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री की लाइन है, ये 20 डिग्री की लाइन है और ये 30 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री साउथ वाली लाइन हो जाती है. उसके बाद हम देखेंगे कौन सा लॉन्गिट्यूड पर ये बसी हुई है. तो यही सीध सीध में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये 30 डिग्री वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पर बसी हुई है. तो आप यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये ईस्टर्न डायरेक्शन और नॉर्दर्न में सिचुएटेड, बिल्कुल इसके अपोजिट सिचुएटेड है ये. 30 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फेयर एंड 30 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है. तो पॉइंट बी के आगे सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क भी है. तो ये डायग्राम तो हम लोगों ने डन कर लिया. उसके नीचे ना कुछ टेबल्स, कुछ जगह दी गई है, कुछ प्लेसेस एंड कुछ जगह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए गए. एज यू कैन सी हियर, दिल्ली 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब ये वाले लाइन्स, और लॉन्गिट्यूड मतलब 77 डिग्री 12 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड. सो ये है डिग्री. कल मैंने बताया था डिग्री मतलब छोटा सर्कल होता है, मिनट मतलब एक कॉमा होता है, और डबल कॉमा आ जाए तो उसे सेकंड से इंडिकेट करेंगे. तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि अलग अलग जगहों के, अलग अलग सिटीज के आपके मेंशन आउट किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सिटीज सिचुएटेड है. सो आई होप यू ऑल हैव डन विद दिस पॉइंट. आई हैव प्रोवाइडेड यू द पिक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर, सो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. So this diagram we have done, this also we have done. Now we will move forward to this portion. This diagram is on same page here.
सो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, नीचे लिखा हुआ भी है डायग्राम 2.3, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज इन इंडिया। देखो जैसे दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये ग्रिड सिस्टम दिख रहा है आपको। ग्रिड मतलब लैटिट्यूड, तो ये जो लेटी हुई लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड, ये लंबी लंबी जो लाइन है। तो यहाँ पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करिए ना, उस जगह की लोकेशन हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर ए और बी की पता लगाई जहां पर ये लाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे थे। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दिखाते हुए आपके इंडिया को शो किया गया है ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको भोपाल, रांची, कोहिमा, पोर्ट ब्लेयर के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स लोकेट करने को बोले गए, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट लोकेट कर सकते हो ना। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर मतलब ये जो पेज है पेज नंबर 104 पूरा कर चुके थे। उसके बाद हम इधर आते हैं पेज नंबर 105 पर, तो आपको एक टेबल दिखेगी, मतलब इस तरीके से कुछ इंडिकेशंस दिखेंगे जिसमें हमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। सो सबसे पहले नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करते हैं। पहले हम नॉर्थ पोल ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल में कौन कौन से पैरेलल्स हैं, इक्वेटर, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर सबसे ऊपर जो आ जाता है आपका नॉर्थ पोल आ जाता है, फिर वही इक्वेटर, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद आपका आर्कटिक सर्कल, फिर उसके सबसे नीचे साउथ पोल आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं आपके इस बुक के अंदर। इस बुक में कोई डायग्राम ऐसा मेंशन नहीं किया गया इंपॉर्टेंट पैरेलल्स का, बट फिर भी हम देख लेते हैं। इक्वेटर ये रहा, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, यहीं पर 23.5 मिनट वाला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल है। हम लोग इस पूरे मैप को बिल्कुल देखेंगे, पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। नॉर्थ पोल, इसकी डिग्री क्या है, 90 डिग्री है, रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड देयरफॉर हैज एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर जो सूरज की जो किरणें है ना वो तिरछी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपका जो अर्थ है वो लगा दिया, यहाँ सन है, तो सन की जो रोशनी है वो ऐसे आएगी अर्थ की तरफ, इस तरीके से आएगी, तो सन की जो रोशनी है तिरछी पड़ेगी, किस पर, पोल्स पर, ये जो पोल्स है उस पर तिरछी पड़ेगी, इस तरीके से तिरछी पड़ेगी, और बीच में जो इक्वेटर है उस पर सीधी पड़ेगी। सन्स रेज लास्ट कंटिन्यूसली फॉर 6 मंथ, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, यहाँ पर 6 महीने का समर और बाकी जो है वहां पर डार्कनेस रहती है, ये बताया गया है। आर्कटिक सर्कल, इसकी डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न, यहाँ पर भी स्लैंटिंग रेज है, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है, यहाँ पर सर्दियां बहुत ज्यादा है और गर्मियां कम टाइम के लिए रहती है। सन डज नॉट सेंट ऑन डज नॉट सेट ऑन 21st June। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहां पर इंडिया की बात होती है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। सन यहाँ पर वर्टिकली, सन बिल्कुल सीधा चमकता है, कहाँ पर, सन सीधा चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कब, 21st June को, बस अभी वो दिन गया ही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। उसके बाद में 0 डिग्री की बात करूँ, 0 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल है, सबसे बड़ा पैरेलल है, ग्रेट सर्कल इसे बोलते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, रिसीव्स डायरेक्ट रेस, सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें बीच वाले हिस्से पे पड़ती है अर्थ के, और तिरछी तिरछी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पड़ती है। वहीं मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर सन वर्टिकली शाइन होता है 22nd December को, यहाँ पर समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ये सारी चीज़ें अभी बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी, पर जैसे ही आप लोग बाद में पढ़ते जाएंगे तब रिलेटेबल लगेंगी। और यहीं पर 90 डिग्री साउथ पर भी वही कंडीशन है जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रही थी। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल्स है ना, इन पैरेलल्स में से इंपॉर्टेंट हमने 0 डिग्री मान लिया, बाकी 23 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सेम जैसे हालात होते हैं, बस सन के डायरेक्शन का अंतर होता है। वही आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में भी सेम कंडीशन होती है, बस सन के पोजिशन चेंज होने पर डिफ्रेंसिएशन आते हैं, वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी। बात यह है कि जैसे जैसे सन जहां जहां जाएगा, नॉर्थ पोल में जाएगा या फिर सॉरी अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो आपका रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रही, उस हिसाब से आपकी जो पोजीशंस है ना, जो क्राइटेरियाज है वो चेंज होते रहेंगे। मैं एक बार आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स मैं दिखा दूं किस तरीके से अर्थ रोटेट करती है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरी टेबल है आपको अपनी कॉपी में उतारनी है और इंपॉर्टेंट ये जो सारे पैरेलल्स बताए गए हैं उनको ड्रॉ करना है इन द व्हाइट पेज। दिस इज अ होमवर्क। नाउ अब होमवर्क हो गया, होमवर्क बता दिया, इसका मतलब क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास कंटिन्यू रखेंगे।
After that, we will continue with the latitude. What do you mean by latitude? Angular distance of a point on the earth surface measured in degree. In सभी को degree में latitude को degree में. Latitude means लेटी हुई lines, okay? So latitude को हम लोग degree में denote करते हैं, जो कि measured in degrees from the center of the earth north to south. Equator से लेकर north तक भी कर लो, या फिर equator से south तक की. सारे के सारे ये parallels है, इस तरीके से इनकी circulation, circular motion में है ये. Characteristic क्या है? Latitudes हमेशा parallel होते हैं. बहुत बार ये बात बता दी जा चुकी है. As their circles parallel to the equator. Equator के parallel है. जरूरी नहीं equator के सारी lines एक दूसरे के parallel है यहाँ पर. उसके बाद दे आर एट इक्विडिस्टेंस. इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है. जैसे मैं अगर बात करूँ 0 डिग्री से 10 डिग्री की दूरी बराबर है, 10 से 20 की बराबर है, 20 की 30 से बराबर है, एक संग समान दूरी पर है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये भी एक पॉइंट हो जाता है. और दो आपके पैरेलल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है. सारे के सारे पैरेलल्स एक्सेप्ट द पोल्स. पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कंप्लीट सर्कल. पोल पे तो एक बिंदु है, बाकी सब में कंप्लीट सर्कल बना रहा है. 90 के नीचे जो 89 वाला है ना, वो भी थोड़ा बहुत सर्कल बना रहा होगा. 88 जीरो तो सबसे बड़ा सर्कल है ही. अब देयर सर्कमफ्रेंस डिक्रीज है. सर्कमफ्रेंस मतलब जो उनका एरिया है ना, वो डिक्रीज होता रहता है. सबसे बड़ा इक्वेटर पे, आफ्टर दैट डिक्रीज होते रहते हैं. नॉर्थ पोल आते आते उनके सर्कल्स, एंड डिक्रीज होते होते साउथ पोल आते आते उनके पॉइंट्स. इक्वेटर टू पोल सर्कमफ्रेंसेस आपके लैटिट्यूड के डिक्रीज होते रहते हैं. इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्कल है, फिर उसके बाद ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री, धीरे 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 90 पर आते आते सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रही हूँ. उसके बाद इक्वेटर सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है ही, दैट वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. अब देखिए, आपके इस बुक के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दो हेमिस्फीयर की बात की गई है. विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर और टू इक्वल इन पार्ट्स, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बीच में से काट दिया अर्थ को. कौन सी लाइन ने काटा? 0 डिग्री लाइन ने काटा. एंड दिस लाइन इज मेंशनड हियर. सो 0 डिग्री लाइन ने काटा कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में. पहला ऊपर वाला नॉर्दर्न और दूसरा है सेकेंड वाला सदर्न हेमिस्फीयर. द पोर्शन ऑफ द अर्थ टू द नॉर्थ, जितनी पोर्शन ऊपर रह गया कटने के बाद, मीन्स हाफ पार्ट डिवाइड होने के बाद, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जितना पोर्शन साउथ में रह गया वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. नाउ उसके बाद आगे आने वाले पॉइंट्स देखेंगे, दैट इज ऑन पेज नंबर 106. सो द इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड जो कि हम इसे ग्रेट सर्किल बोलते हैं, बड़ा सर्किल, क्योंकि ये बीचों बीच है. बल्जी कहाँ है? बल्जी मतलब उभरी हुई कहाँ है? ये 0 डिग्री के आसपास से उभरी हुई है, इसीलिए हम इसे ग्रेट सर्किल बोलते हैं, सबसे बड़ा सर्किल बोलते हैं. एंड डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट. ऑल अदर पैरेलल्स आर स्मॉल सर्किल्स. 0 डिग्री से तो बाकी सारे छोटे छोटे ही हैं. डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज द 1/4 ऑफ द सर्किल. पोल्स आर परपेंडिकुलर. अब देखिए, ये अगर मैं सीधी लाइन अगर यहाँ से खींच दूं तो वो इक्वेटर के परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो पोल्स क्या है? इक्वेटर के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मतलब ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन है. इक्वेटर इक्वेटर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर एंड लोकेटेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री पर यह परपेंडिकुलर होता है, तभी तो हम मानते हैं उसे. नाउ टोटल लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूँ, ये 0, 1, 2, 3, 4, 90 तक तो आप बात करते हो, तो टोटल लैटिट्यूड कितने हैं? 90 तो नॉर्थ में है, 90 साउथ में. मतलब ये 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5, 6, 7, 8 से आपका इंडिया स्टार्ट हो जाता है. फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अगर हम ऐसे ही 90 तक बोलते जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी. तो हम बोलते हैं 85, 86, 87, 88, 89, 90. तो 90 पे ये खत्म हो जाते. तो 90 पैरेलल्स तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वही 0 डिग्री के बाद नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 89, 90. तो इस तरीके से 90 नीचे हैं. तो टोटल अगर आप लैटिट्यूड बोलोगे ना, 90 ऊपर 90 नीचे, पर बीच में एक 0 डिग्री भी तो है, तो टोटल आप 181 लैटिट्यूड बोलोगे. कई जगह 180 भी बोला जाता है, कई जगह 181 भी बोला जाता है. तो 90 ऊपर है, 90 नीचे, बीच वाले को हम भूल नहीं सकते. टोटल लैटिट्यूड हो गए आपके 181. So by this topic we are completing. We haven't completed the heat zone. We will complete this portion. देखिए, एक और डायग्राम है जो कि आपके बुक के अंदर मेंशनड है यहाँ पर. मैं उस डायग्राम की एक बार आपको पिक्चर शो कर देती हूँ, बिकॉज इसी डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद ही आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. यही डायग्राम बनाना है आपको होमवर्क के अंदर. So here is the diagram of that important parallel. So
इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर डायरेक्ट आपका जो सन है, सन की रेज है वो पहुंचती है उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी हैव डन, आर्कटिक सर्कल वी हैव डन, नॉर्थ पोल वी हैव डन, सेम कंडीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वी हैव डन, अंटार्कटिक सर्कल वी हैव डन एंड देन नॉर्थ पोल. सो ये जो डायग्राम है इसको आपको बनाना है एंड उसके सामने आपको ये जो टेबल है वो बनानी है. तो टेबल ऑन द लाइनिंग साइड एंड द डायग्राम इज ऑन white side. This is a homework. So I hope you all have understood all the topics very well. That's it for today's class. Thank you.